हाय ट्रेडर, आपको मेरे ट्रेडिंग एजुकेशन वीडियो में स्वागत है। तो गाइस इस समय हम तब बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने वाले हैं। आज गाइस 3 तारीख है, तो गाइस हम तब ताल तारीख का एनालिसिस कर रहे हैं कि ताल तारीख को मार्केट किधर पे जाने वाला है। तो गाइस इस समय मैंने बैंक निफ्टी का ताज खोला है और गाइस 1 दिन के टाइम फ्रेम में इस समय है। तो गाइस 1 दिन के टाइम फ्रेम में आने के बाद हम तब एक दिन के कैंडल का हाई और लो मार्क कर लेंगे। गाइस ये 3 तारीख को कैंडल बना है, ये कैंडल का हाई और लो मार्क करने के बाद गाइस हम तब गैप ढूंढने की कोशिश करेंगे। देखो गाइस गैप क्या होता है, तब बड़े ट्रेडर तब बाय करते हैं तो इतना क्वांटिटी में बाय करते हैं कि इनका क्वांटिटी फुलफिल नहीं हो पाता है, तो मार्केट एक गैप बना देता है। तो गाइस मार्केट ये गैप को तत करने के बाद, इनकी क्वांटिटी फुलफिल करने के बाद मार्केट एक अत्ता लैली देती है। तो गाइस गैप 2 प्रकार की होती है, एक होता है अप गैप, एक होता है डाउन गैप। कि तब बड़े ट्रेडर अप साइड में गाइस बाय करते हैं दादी क्वांटिटी, तो मार्केट एक अप साइड में एक गैप बनाता है। ये गैप में मार्केट रिटर्न तत करने आता है ये गैप को, और तत करने के बाद मार्केट एक अत्ता लैली देता है। और एक होता है डाउन साइड गैप। डाउन साइड गैप में क्या होता है गाइस, तब बड़े ट्रेडर सेल करते हैं, तो गाइड बड़े क्वांटिटी में सेल करते हैं तो मार्केट एक गैप बना देता है। ये गैप में बाद में मार्केट रिटर्न ये गैप को तत करने के बाद गाइड मार्केट एक अत्ता सेलिंग देने को देता है देखने को। तो गाइड यही गैप को हम तब पहले देखेंगे कि ये गैप मार्केट में बना है कि नहीं, ये गैप है कि नहीं। तो गाइड गैप देखने के लिए हम क्या करेंगे, ये 1 दिन के कैंडल के अंदर पहले हम तब गैप ढूंढने की कोशिश करेंगे कि ये कैंडल के अंदर गैप है कि नहीं। गैप ढूंढने के लिए आपको क्या करना है गाइस, आपको गाइस ये कैंडल के हाई से लेके इसके बॉडी तक का गाइस इतना नितान मान लेना है कि अपने को यहाँ पे ही गैप मिलेगा। तो गाइस अपने को क्या करना है, नितान मानने के बाद अपने को तोते टाइम फ्रेम में जाके देखना है कि इधर पे कहीं गैप है। तो गाइस इधर पे आप देखोगे इधर पे गैप नहीं है, इधर पे कोई गैप नहीं देखने को मिला। और मार्केट आप देख सकते हो आज के दिन मार्केट एकदम साइडवेज ही रही है। 3 तारीख का मार्केट गाइस एकदम साइडवेज ही रही है, और मार्केट यहाँ पे ये आपको एक गैप देखने को दे रहा है। मार्केट इसको फुलफिल करने के बाद मार्केट एक तोता तक ही लैली देखने को आपको दिया है। तो गाइस 3 तारीख का मार्केट साइडवेज था, अतः गाइस कि आज के दिन हमने कोई ट्रेड नहीं लिया था, तो गाइस इधर पे अपने को कोई गैप नहीं मिल रहा है। तो गैप ढूंढने के लिए पिंटर हम तब गाइस 1 दिन के टाइम फ्रेम में जाएंगे। 1 दिन के टाइम फ्रेम में जाने के बाद गाइस तो गाइस ना अपने को ये कैंडल के ना गाइस हाई ते लो तक गाइस ये कैंडल में गैप है ही नहीं, तो हम तब क्या करेंगे, इसके बगल वाला कैंडल ये गाइस आपको बड़ा कैंडल दिख रहा है गाइस, इसको हम तब मार्क करेंगे। इसको गाइस ये हम तब मार्क कर लेते हैं, इसमें गाइस हम तब गैप ढूंढने की कोशिश करेंगे कि इसमें कोई गैप है। इसमें गाइस गैप रहेगा तो मार्केट इसको तट करके ऊपर जा सकता है। चलो गाइस पहले गाइस हम तब 30 मिनट के टाइम फ्रेम में जाएंगे, 45 मिनट के टाइम फ्रेम में जाएंगे। तो गाइस आप इधर पे देख सकते हो, इधर पे गैप तो नहीं दिख रहा, इधर पे एक गैप था, तो मार्केट इसको तत करने के बाद फुलफिल करने के बाद मार्केट ऊपर चला गया। तो गाइस हम 3 मिनट के टाइम फ्रेम में जाएंगे, इधर पे आप देखो तो इधर पे एक तोता तक गैप है गाइस, एक तोता तक गैप है। इसको पहले हम तब देखते हैं कि ये गैप है कि नहीं। गाइस देखो अपन आ गए ये वाले कैंडल में गाइस, आप देखोगे थोड़ा सा डिड बैलेंस खाली अपने को देखना कि कोई कैंडल में डिड बैलेंस है। डिड बैलेंस रहेगा गाइस इसको ही मार्क कर लेना है, क्योंकि डिड बैलेंस को ही गाइस हम तब गैप कहते हैं। तो डिड बैलेंस पे मार्केट रिटर्न आएगा तो मार्केट एक अत्ता लैली देखने को दे सकता है। तो गाइस इधर पे अपने को थोड़ा सा डिड बैलेंस दिख रहा है, और इधर पे गाइस अपने को एक तोता तक गैप दिख रहा है। इधर पे देखो, रुक दो, इधर पे गाइस देखो, पहले गाइस आप इधर पे देखो, ये इधर पे भी एक तोता तक गैप है और इधर पे भी तोता तक गैप है। तो आप ध्यान से देखोगे कि मार्केट ये वाला गैप गाइस फुलफिल कर दिया, ये वाला गैप मार्केट एकदम फुलफिल करने के बाद मार्केट एक अत्ता लैली देखो देखने को दिया। इधर पे आप देखो
मार्केट ये वाले गैप को तक किया, इसके बाद गाइड मार्केट एक अत्ता लैली देखने को दिया। इसके बाद गाइड एक गैप इधर पे था, इधर पे आप देखो, इसके बाद गाइड आप इधर पे देखो मार्केट ये गैप को तत करता है, तत करने के बाद मार्केट एक अत्ता लैली देखता है, देने को देखता है। देखो गाइड गाइड आप ये वाले गैप को देखो, मार्केट ये गैप को तत करने के बाद इधर पे देखो एक गैप है, एक गैप को तत करने के बाद एक अत्ता लैली देखने को देता है। और गाइड एक दूसरा गैप गाइड अपने को इधर पे मिलेगा, इधर पे गाइड, इधर पे ये गाइड ये भी एक गैप का काम करेगा, क्योंकि मार्केट इधर भी आने के बाद मार्केट एक अत्ता मूव देखने को दे सकता है, क्योंकि इधर पे एक गैप है गाइड। गाइड ये गैप अपन मार के कर लेते हैं। गाइड पहले मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ कि आपको कुछ समझ में भी आए। तो गाइड इसका मैंने कलर चेंज कर दिया, इधर पे गाइड अपने को गैप देखने को मिलता है। और गाइड अपन थोड़ा गैप और ढूंढ लेते हैं कि एक गैप तक काम नहीं बना। तो गाइड देखो गाइड मार्केट में बहुत ज्यादा गैप रहता है, तो मार्केट हर गैप में काम नहीं करता। कि देखो मैं आपको एक उदाहरण दे के बताता हूँ, मान लो इधर पे गैप है, देखो इधर पे गैप है, एक इधर पे भी गैप है, तो मार्केट क्या करेगा तुम तो क्योंकि मार्केट ये वाला गैप टूटने के बाद ऊपर जाएगा, तो ऐसा गाइड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मार्केट के मूड के ऊपर है। मार्केट ये वाला गैप भी तू के ऊपर जा सकता है, मार्केट ये वाला गैप भी तूने के लिए आ सकता है। तो गाइड आप ट्रेडिंग करते हो तो एकदम दिमाग से किया करो, एकदम शांति से किया करो, मार्केट को तमर के किया करो कि मार्केट कहाँ दाना चाहता है, अपने मन के ट्रेड मत किया करो। मार्केट को इधर दाना है, इधर मार्केट जाएगा, आप गाइड स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड किया करो। तो गाइट इधर पे एक गैप था, इधर पे देखो, इधर पे गाइट एक गैप था, ये बड़ा गैप पहले मार्केट ने फुलफिल किया, इधर पे आप देख सकते हो, फुलफिल करने के बाद गाइट मार्केट यहाँ पे एक टूटा गैप था, मार्केट इसको लेने के बाद मार्केट एक अत्ता लैली देखने को दिया। तो गाइट पहले मतलब एक दिन के टाइम फ्रेम में जाके देखेंगे ट्रेंड कौन सा चल रहा है। तो गाइट आप इधर पे देख सकते हो अप ट्रेंड चल रहा है, तो गाइट अपने को अप ट्रेंड चल रहा है का मतलब गाइट अपने को अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, तो ऊपर टाइट की ढूंढनी है, अप ट्रेंड का ट्रेंड पकड़ने की कोशिश करना है। तो गाइट अपने को एक गैप भी मिल गया, गैप भी मिल गया, और गाइट मार्केट ये गैप को तत करेगा तो मार्केट एक अत्ता ऊपर जाएगा। तो मैं आपको बताता हूँ, इधर पे आप देखोगे गाइट, इधर पे आप देखो, इधर पे एक एक इधर पे रेजिस्टेंस भी है, तो मार्केट क्या हो सकता है गाइड, मैं आपको देखो अपने को दो अत्ता लेवल मिल गया है, तो मार्केट मान लो इधर पे ओपनिंग देता है, मैं आपको ओपनिंग बता देता हूँ इस समय गाइड, हम तब एक दिन के टाइम फ्रेम में है, ये मैं आपको नितान मार के दे देता हूँ, मार्केट यहाँ पे ओपन होता है। देखो आप गाइड पहले मैं आपको एक दिन के टाइम फ्रेम में एक टी डॉल दिखा देता हूँ, इधर पे देखो गाइड कौन सा ट्रेंड चल रहा है, अब ट्रेंड चल रहा है, मार्केट अपना अमेटा रिटर्न तोड़ के ऊपर के टाइट डाल रहा है, तो इधर हो सकता है कि मार्केट अपना रिटर्न तोड़ेगा। तो गाइड मार्केट यहाँ पे ओपनिंग हुआ, इधर पे देखो, क्योंकि गाइड मार्केट मार्केट 3 तारीख को और गाइड मार्केट 2 तारीख को और 1 तारीख को गाइड एक अत्ता लैली देखने को नहीं दिया, और मार्केट इस समय 1 तारीख से लेकर 3 तारीख तक गाइड मार्केट दिखाने की कोशिश किया कि मैं नीचे गिर रहा हूँ, और नीचे गिर रहा हूँ तो बहुत सारे रिटेलर लोग है गाइड नीचे टाइट का अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, नीचे टाइट का ट्रेड बनाने की कोशिश करेंगे। तो गाइड मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, ओपन होने के बाद मार्केट इसको टूएगा, टूने के बाद गाइड मार्केट एक अत्ता लैली देखने को दे सकता है, और गाइड अपना टारगेट यहाँ तक रहेगा। देखो गाइड अपना टारगेट यहाँ तक रहेगा, यहाँ तक टारगेट लेने के बाद गाइड आप निकल जाना, तो गाइड मार्केट अपना रिटर्न तोड़ेगा, तो गाइड आप आगे का प्लानिंग करना। और गाइड मान लो मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, तो आप गाइड तुरंत एंट्री मत बना लेना, आप मार्केट को देखना कि मार्केट नीचे कहाँ गिरता है। मान लो मार्केट यहाँ पे गिरेगा, तो गाइड आप एक तोता टॉप लॉट लेके ऊपर टाइट के लिए ट्रेड बना लेना। चलो गाइड आपको गाइड ये वीडियो देखने को के बाद को देखने को मिला होगा, तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। और मान लो गाइड मार्केट यहाँ पे ओपन हो जाता है, यहाँ पे, तो
तो गाइस मार्केट यहाँ पे रजिस्टेंस लेने के बाद गाइस सपोर्ट लेने के बाद गाइस मार्केट ऊपर साइड अच्छा रैली देखने को देगा। तो लोग गाइस आपको ये वीडियो देखने से कुछ नॉलेज मिला होगा, तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। तो लोग गाइस धन्यवाद।